जीत भाई मोबाइल से नहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, लेकिन आरएलएसपी में पहले से ही टूट हो रही है चुनाव के पूर्व ही। पर आरएलएसपी एक बार फिर से अपने पुराने लय में नजर आ गई है और आज एक बड़ी सेंधमारी आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने किया और जदयू के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने शामिल कराते हुए काफ़ी खुशी जाहिर की और बहुत कुछ कहा भी। उनके कहने का तात्पर्य इतना ही था कि अब महागठबंधन आगे है और एनडीए बैकफुट पर है, जो कि उसे चुनाव में करारा मात देगा। 40 की 40 सीटों पर अपनी जीत की दावेदारी यानी महागठबंधन की दावेदारी उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने परिचय कराया और जानिए क्या कहा जो नए सदस्य हैं उनके बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजय जी जो है जनता दल यूनाइटेड यूथ प्रकोष्ठ बिहार के जो अध्यक्ष है उनके भाई है, आपकी जानकारी के बड़े भाई है, उनसे छोटा भाई युवा इकाई जेडीयू के बिहार का अध्यक्ष है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने और बहुत सारी बातें कही और यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार और मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल है, अपने लोगों को भी साथ नहीं रख पाए हैं, इस बार जनता उन्हें इन सब बातों का जवाब दे देगी और जो भी हवाबाजी है वो सब समाप्त हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि लोकतंत्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने लगभग कुछ मोर्चों पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। जो बेस वोट भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता है पहले से, उस पर भी जबरदस्त चोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहुंचाई है। एक खास जाति से आने वाले भारत सरकार के मंत्री, एक तो उनकी भागीदारी पहले के मुकाबले कम कर दी गई और जो एक व्यक्ति मंत्री के रूप में उनको भी रुला रुला कर और कहीं से एडजस्ट करने की बात की जा रही है। क्या क्या बयान उनका आ रहा है, आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के ऊपर उनका है, साफ साफ उनकी ओर से कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और नीतीश कुमार दोनों मिलकर, नीतीश जी ने जो कहा था एक बार कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो भाजपा के साथ गए हैं, लेकिन बीजेपी की प्रदेश इकाई और नीतीश कुमार दोनों मिलकर भाजपा को मिट्टी में मिलाने के काम में लग गए हैं। अब बिहार की जनता को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि आरएसएस का एजेंडा आ रहा है तो क्या करें, अब तो यही लोग मिट्टी में मिलाने में लग गए हैं। महागठबंधन समाज के सभी जात धर्म के लोगों को जोड़कर चलने वाला गठबंधन है। एक खगड़िया जहां के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या क्या खबर आ रही थी पहले, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विकल्प के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की धारा को कमजोर करने के लिए किसी व्यक्ति को खगड़िया से आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बार के चुनाव में टिकट देगी और जीत करके फिर उपेंद्र कुशवाहा की धारा को कमजोर करने के काम में बीजेपी लगेगी उनके माध्यम से, लेकिन उनको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। और मैं सीधा कहूं जो जानकारी है मुझको, जिसमें नीतीश कुमार जी की भी साजिश है, दोनों ने मिलकर यह काम किया है, तो चाहे खगड़िया में जिनको टिकट देना था नहीं दिया उसको लेकर, या भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है उस पर जो गंभीर रूप से इन लोगों ने चोट पहुंचाई है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा और महागठबंधन की जीत इन लोगों ने ऐसा करके आसान बना दी है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव,
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।